तो आज हम देखेंगे सरफेस एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 2 है ये। एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में आज के लेक्चर में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स वगैरह बनाना पड़ेगा अगर बनाने का मन हो आपका तो, ठीक है। नहीं बनाना है तो पीडीएफ तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। आज का जो लेक्चर है उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइप करने का अलग से था, इसलिए टाइप नहीं किया, तो मैं आपको लिखवा के थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो देखनी है एसिड माइन ड्रेनेज। एसिड माइन ड्रेनेज क्या होता है? जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, एसिड माइन ड्रेनेज क्या होता है कि जब भी आपका किसी भी प्रकार का मतलब ड्रेनेज होता है, जो ड्रेनेज करवाते हैं अपन माइंस में, तो उसमें जब एसिड का फॉर्मेशन होता है, ड्रेनेज में जब एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम एसिड माइन ड्रेनेज कहते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर ये किस माइंस में पाया जाता है? ऐसी माइंस में पाया जाता है जहां पर FeOH होल थ्राइस का, ठीक है, होल थ्राइस की मात्रा अधिक होती है। ऐसी जगहों पर आपको एसिड माइन ड्रेनेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये बेसिकली किस नाम से भी जाना जाता है? इसे येलो बॉय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर मैं पॉल्यूटेंट्स की बात करूं, जैसे ये एक मेटल हो गया, ये एक पॉल्यूटेंट है जो कि एसिड माइन ड्रेनेज को डेवलप करता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी अगर पॉल्यूटेंट्स की बात करूं तो कौन कौन से मेटल के पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूं, टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स की, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी अपन जो है तो आज के लेक्चर में साथ में करते चलेंगे, ठीक है। टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट्स, अब टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन से मेटल आ जाते हैं आपके? नंबर 1 आपका लेड, ये एक मेटल पॉल्यूटेंट है। दूसरा आपका कैडमियम, कैडमियम। तीसरा निकल, निकल ले फिर। चौथा चौथा आपका है मर्क्यूरी, ठीक है। अब इन पॉल्यूटेंट्स के कारण आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? जैसे कि आपका ये जो लेड है, इसके कारण आपका IQ जो है बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसके कारण, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसके कारण, ठीक है। दूसरा हाई BP के भी पेशेंट आप बन जाओगे, गुस्सा बहुत आएगा फिर, है ना। तीसरा अनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी, या फिर मृत्यु भी हो सकती है। तो लेड बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है, बड़ा ही खतरनाक मेटल पॉल्यूटेंट है। कैडमियम के कारण आपका हार्ट डिजीजेस अपने को देखने को मिल सकता है, हार्ट अटैक वगैरह होते हैं, तो इसके कारण क्या कर सकते हैं हम? कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट डिजीज से रिलेटेड है इसलिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इसके कारण देखने को मिल सकता है। निकल की अगर बात करें तो लिखा निकल में कितना, अनामिका खून की कमी है, अनीमिया खून की कमी, एहो अनामिका खून की कमी। मैं सोचा पिक्चर का नाम बता रहा है क्या क्या कोई बदला वदला लेने वाला है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है ना। उसके बाद निकल के कारण आपको लंग कैंसर हो सकता है, एंड मर्क्यूरी तो आपका ब्रेन डैमेज कर सकता है, ब्रेन डैमेज कर सकता है। तो ये दिक्कतें अपन को देखने को मिल सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे खत्म हो गया।
क्या है कि पिछले कुछ सालों में ना इन चीजों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, इसलिए ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ऑटो करेक्ट में अनीमिया नहीं आया, अनामिका आया। गजब बात करता है लुकेश। ऑटो करेक्ट तो वो होता है ना कि मतलब हो सकता है ये इस वर्ड का ज्यादा यूज करता हो। अगला है स्मॉग। स्मॉग, स्मॉग किस चीज से बनता है? स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, स्मॉग प्लस फॉग को स्मोक बोलते हैं। क्या था? अच्छा, साइंटिफिक नेम इसका लिख लीजिए। फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या फिर फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अनीमिया आपका बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, है ना। अब आयरन की कमी कहाँ होती है? ब्लड में, खून में आयरन की कमी के कारण जो है तो अनीमिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? स्मॉग। अब स्मॉग आपके दो टाइप के होते हैं, स्मॉग दो टाइप का होता है। नंबर वन, एक तो होता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल स्मॉग, जिसे हम लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं, इसे लंदन स्मॉग भी कहते हैं। दूसरा है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसे लॉस एंजेलिस स्मॉग भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, इंडस्ट्रियल स्मॉग की, इंडस्ट्रियल स्मॉग की, तो इंडस्ट्रियल स्मॉग का मेन कंटेंट क्या होता है? इसका मेन कंटेंट है सूट। ठीक है, सूट मतलब कि जो सबसे ज्यादा इसमें जो चीज पाई जाती है, मतलब इस टाइप का जो फॉग होता है जिसमें कि स्मोक का कंटेंट ज्यादा है, तो कौन से स्मोक का कंटेंट ज्यादा है, कौन से स्मोक का कंटेंट ज्यादा है, वो आपका होता है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। इसीलिए इसको सूट के नाम, सूट का कंटेंट इसमें मेन होता है, ऐसा आप कह सकते हो, सूट इसका मेन कंटेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश, NaCl, NaCl, CaSO4। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के कंटेंट्स पाए जाते हैं एक्सेट्रा। दूसरा है आपका फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग में किस चीज के कारण होता है? ड्यू टू
रिएक्शन ऑफ सनलाइट विथ पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स लाइक NO2, बेंजीन बेंजीन एंड बेंजल पायरीन। ठीक है, तो जब आपका सनलाइट पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्शन कर देता है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो स्मॉग का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, अब देखिए, अब आप भी जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फियर है उसमें बहुत ज्यादा, यार सच में बताऊं मतलब इतना ज्यादा गंदगी है, एयर पोल्यूशन हो गया है कि आजकल सांस लेना भी बड़ा कठिन होता जा रहा है। इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए? हमें एयर पोल्यूशन को कम करना है। अब एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मेजरमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ का एयर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, अब उसके मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एयर की सैंपलिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एयर की सैंपलिंग करनी पड़ेगी, एयर सैंपलिंग। ठीक है, अब ये एयर सैंपलिंग जो है किसकी मदद से आप करेंगे? हाई वॉल्यूम सैंपलर की मदद से। हाई वॉल्यूम सैंपलर की मदद से। ठीक है, ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? ताकि हम किसका कंसंट्रेशन पता कर सके? टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SPM, SPM का कंसंट्रेशन पता करने के लिए। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करते हो? इसमें हाई वॉल्यूम सैंपलर जो होता है, इसमें बेसिकली आपका एक फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, तो इसका फिल्टर पेपर का, जैसे कि अपन ने माइंस में भी जब अपन चेक करते हैं, एयर के सैंपलिंग चेक करते हैं, डस्ट का मेजरमेंट करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हमारे पास एक फिल्टर होता है। SPM RPM कल बताया था ना, अब याद करो। देखिए, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो जब हम लेकर जाते हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो उसके पहले हम जो है तो फिल्टर पेपर का वेट निकालते हैं कि आखिर कितना वजन है। इनिशियल वेट ऑफ फिल्टर फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का इनिशियल वेट कितना है? ठीक है, जिसको हम बोल देंगे W1। किसमें होता है? माइक्रोग्राम में होता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पूरा एयर का सैंपल कलेक्ट किया, फिर अब हम फिल्टर पेपर का फाइनल वेट करेंगे। ठीक है, फाइनल वेट ऑफ फिल्टर पेपर, जिसको मैं बोल दूंगा W2, जो कि माइक्रोग्राम्स में होगा। रेस्पिरेटरी नहीं, रेस्पायरेबल पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर एंड रेस्पायरेबल पर्टिकुलेट मैटर। अब इसकी मदद से मुझे क्या निकालना है? कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, सी इज इक्वल्स टू, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, W2 माइनस W1 अपॉन V। ठीक है, ये हो गया। यूनिट क्या होती है? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट होती है। V क्या है यहां पर?
भाई W1 W2 तो समझ में आ गया, एवरेज एंड फाइनल इनिशियल एंड फाइनल वेट ऑफ द फिल्टर पेपर। लेकिन ये आपका V क्या है, वेयर V इज इक्वल्स टू एवरेज एयर फ्लो रेट, एवरेज एयर फ्लो रेट, ठीक है, जो किसके बराबर होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। अगर दिया है डायरेक्टली क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 क्या है, Q1 इज इक्वल्स टू इनिशियल फ्लो रेट, देखते हैं अभी योगेश क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो उसमें समझ में आ जाएगा। इनिशियल फ्लो रेट एंड Q2 क्या होता है आपका, फाइनल फ्लो रेट, ठीक है। ये जो यहां पे दिया हुआ है अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने ड्यूरेशन का दिया हुआ है, ठीक है, और आपका जो फ्लो रेट है वो कितने का है, पर मिनट का दिया हुआ है या पर आवर का दिया हुआ, पर सेकंड का दिया हुआ है, इन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसको सॉल्व करिए। एक सेकेंड, एयर वन PM10 कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इनिशियल इनिशियल और 24 आवर्स। चलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यार, क्या इतना ज़्यादा तामझाम करना, मैं डायरेक्ट ही दे देता हूँ आपको। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, देखिए जिसमें कि बोलता है कि आपका जो वेट है W1, इनिशियल वेट जो है आपका फिल्टर पेपर का वो है 2.3125 ग्राम, एंड जो फाइनल वेट है वो है 2.6996 ग्राम, ठीक है। और जो एवरेज वेलोसिटी है आपकी, एवरेज फ्लो रेट है, एयर फ्लो रेट है, वो है 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट, ये आपका दिया हुआ है इतना डाटा, ठीक है। अब आपको कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है फॉर
24 आवर्स, 24 आवर्स का आपका कंसंट्रेशन निकालना है कि कितना होगा, निकालिए। वो भी किसमें निकालना है? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है। बताइए कितना होगा? 24 आवर्स करना होगा ना, मैं अभी बाद में इसका पूरा क्वेश्चन डाल दूंगा, तो आप लोग फिर वहां से देख के प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहली चीज तो आपका वेलोसिटी, सॉरी एयर फ्लो रेट, वी इज इक्वल्स टू, मतलब वही वेलोसिटी हो जाता आपका, वी इज इक्वल्स टू कितना है? वन पॉइंट टू, ठीक है। अब ये मीटर क्यूब पर मिनट में दिया हुआ है, यहाँ पे किस में दिया हुआ है? पर मिनट में दिया हुआ है। आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है? 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है, कि 24 घंटे में कितना एवरेज फ्लो रेट आएगा मेरा, ठीक है। पर मिनट तो इतना है, तो 24 आवर्स में कितना होगा? तो 1.2 × 60 × 24, ठीक है। ये हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका मीटर क्यूब पर डे बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब कंसंट्रेशन निकाल लीजिए, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W2 − W1, तो 2.6996 − 2.3125, ठीक है। ये हो गया, अब इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, ये तो ग्राम में दिया हुआ है, तो × 10⁻⁶ कर दो, डिवाइडेड बाय 1.2 × 60 × 24 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू कितना आएगा? 224 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर ये चीज? हमने सबसे पहले क्या किया कि जो एयर फ्लो रेट था वो पर मिनट था, उसको मैंने 24 घंटे में कन्वर्ट किया, मतलब कि पहले 1 घंटे में × 60 करके, फिर × 24 करके 24 घंटे का एवरेज निकाला, और यहां पर × 10⁶ किया, ताकि मुझे क्या मिल जाए? माइक्रोग्राम्स में मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। यहां पे दिया हुआ है W1 इज इक्वल टू 2.3 ग्राम, W2 इज इक्वल टू 2.65 ग्राम, ठीक है, और Q1 आपका दिया हुआ है 1.5 m³ पर मिनट, एंड Q2 आपका दिया हुआ है 1.3 m³ पर मिनट। अब आपको कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे का कंसंट्रेशन निकालना है इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, बताइए कितना होगा? ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब तो W2 − W1 तो डायरेक्ट हो जाएगा, Q1 और Q2 की मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं? एवरेज फ्लो रेट, एवरेज एयर फ्लो रेट, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 Q1 + Q2 / 2 इज इक्वल टू 1.4 m³ पर मिनट, पर मिनट, ठीक है।
अब यहां से आप कंसंट्रेशन निकाल लीजिए, कंसंट्रेशन क्या होगा, 2.65 माइनस 2.3 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू, ये पर मिनट है, आवर में चेंज किया, फिर 8 घंटे का निकालना है तो 8 घंटे में चेंज, 8 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 10^6 माइक्रोग्राम में हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 520.8 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। W1 5 ग्राम, W2 5.4 ग्राम, Q1 1.7 m³ पर मिनट, Q2 1.5 m³ पर मिनट। अब कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन फॉर 24 आवर्स, फॉर 24 आवर्स इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, करिए कैलकुलेट। तो सबसे पहले तो एवरेज फ्लो रेट 1.7 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.6 m³ पर मिनट। ठीक है, चल जाएगा कितना, 1.6 इंटू 60 इंटू 24, कंसंट्रेशन निकालिए 24 आवर्स के लिए, 5.4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 10^6, तो आपका आंसर आ जाएगा 173.61 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। बन रहा है सबसे, समझ में आया क्या, किसी कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है? तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करें फिर। आसान है ना, बहुत आसान चीजें हैं। अगला जो है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब देखिए हुआ यूं कि भाई हमारा जो कहीं पर भी एयर की क्वालिटी क्या है, इस चीज को मेजर करने के लिए क्या दिया गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया गया। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया ने भी क्या किया, अपना खुद का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया, NAQI, नेशनल एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स। कब लॉन्च किया था इंडिया ने इसे, 2014 में लॉन्च किया गया, 2014 में दिया गया था, जिसका मेन मोटो था वन नंबर
वन नंबर, वन कलर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन। वन डिस्क्रिप्शन ये इसका मेन मोटो था। इसमें आपका 8 मेन पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया गया, पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया गया। वो 8 मेन पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से थे? SO2, NO2, O3, ओजोन बोले तो, PM10, PM2.5, PB, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NH3, अमोनिया। ठीक है, अब देखिए इन सभी का कुछ ना कुछ इंडेक्स होता है, मतलब कि जहां भी आप ये पॉल्यूटेंट्स का इंडेक्स निकालेंगे, पीएम पार्टिकुलेट मैटर, PM10 एंड PM2.5 कल पढ़े थे ना, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां पे सभी के इंडेक्स निकाले जाएंगे कि भाई कि ये SO2 का कितना ये कंसंट्रेट इंडेक्स है, या NO2 का कितना इंडेक्स आ रहा है, O3 का कितना आ रहा है ना। सब जगह का आप अपना अपना अपने एरिया का मान लीजिए इन सभी का निकाल लिए, 8 पॉल्यूटेंट्स का निकाल लिए। अब इनमें से तो ये सब 8 पॉल्यूटेंट्स के जो आप इंडेक्स निकालोगे कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ये जो इंडेक्स आपने निकाला है इसको बोला जाता है सब इंडेक्स। ठीक, क्या बोला जाएगा? सब इंडेक्स। अब फिर AQI क्या होगा? To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.